मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हैदराबाद में जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार, फिर उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, पहले बलात्कार फिर हत्या, इस घटना ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी का नाम मोहम्मद आरिफ, उम्र 26 साल है। दूसरे आरोपी का नाम शिवा कुमार, उम्र 20 साल है। और तीसरे आरोपी का नाम नवीन कुमार, उम्र 20 साल है। और चौथे आरोपी का नाम चिन्ना केशवल्लू, उम्र 21 साल है। लोग इन चारों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं, कोई इन्हें जिंदा जला देने की भी मांग कर रहा है। लोग सड़कों पर महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, हाथों में मोमबत्ती लेकर। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, इन चारों आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। मुंब्रा में भी विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के लोगों ने अंबेडकर चौक पर महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी और मोमबत्ती हाथों में लेकर 2 मिनट का मौन धारण किया और सरकार से दोषियों को मृत्युदंड की मांग की है और देश में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाने की भी मांग की है। महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से चारों तरफ इंसाफ की मांग हो रही है। लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। लगभग इसी तरह की तस्वीरें पूरे देश में देखने को मिल रही है, जो चारों दरिंदों को मृत्युदंड देने की मांग कर रही हैं। ठाणे जिला दुर्गा वाहिनी प्रखंड संयोजिका कृपा पांडे और VHP ठाणे विभाग मंत्री विक्रम भोयर ने क्या कहा है। ये जो हैदराबाद में घटनाएं घड़ी है, प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उसके ऊपर बलात्कार करके उसको जलाया गया, उसके निषेध में आज सभी हिंदुत्ववादी मुमरा के लोग यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देने खड़े हुए थे। मैं इस चैनल के तरफ से सबको गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्रियंका रेड्डी जैसे ऐसे देश भर में कई जगह पर बलात्कार हो रहे हैं, ये आज लड़कियाँ हमारी जिम्मेदारी हो गई है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी एक रास्ते पे जा रही थी सुनसान, तो उसको एक पंचर वाले ने पकड़ के 3-4 जनों ने उसके ऊपर बलात्कार किया, उसको जलाया, उसको मार दिया गया। तो उसके माँ ने, जो आरोपी है उसके माँ ने कहा है कि मेरे बेटे को फांसी दे दो। महिला होने के नाते मुझे सुन के बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हमारी ही उम्र की, हमसे बड़ी उम्र की एक लड़की के साथ ऐसा हो गया। और ये पहली बार ही नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। तो इसके लिए मैं सरकार से ही अपील करूंगी कि हमारी जो बहन है प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जो जानवरों की डॉक्टर थी, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि आज भी इंसानों में वो जानवरपन अभी भी जिंदा है। काश उन्हें ये पता होता तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन एक पंक्चर वाला, जो कि ये नहीं कह सकते कि वो गलती से पंक्चर हो गया था, उसने जानबूझ के ये गलती की, हमारी बहन के साथ ये गलत किया। और एक लाइन है जो कि पहले बचपन में हम बच्चों को पढ़ाई जाती थी कि हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये हमें पता नहीं था कि ये मछलियों के लिए नहीं, आगे चल के लड़कियों के लिए लिखी जाएगी। और आज वही सच साबित हो रहा है कि आज के समय में लड़कियां इतनी आज़ादी से केवल भारत को दी गई है, लेकिन लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं दी गई है कि वो खुले में कुछ भी कर सकें, घूम सकें। उन्हें हर चीज़ की पाबंदी दे दी गई है। और यहाँ पर आज जो हमारी बहन के साथ हुआ, इस बात का मुझे काफ़ी दुख है। और मैं सरकार से ये अपील करूँगी कि वो जो भी लड़के हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन उन्हें ये सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए कि कल को किसी तरह से ये मामले महिलाओं पर बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार को किस तरह का कानून लाना चाहिए कि जो इस तरह की अपराधों पर सरकार को जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर तुरंत से तुरंत पापी को या जो भी जिसने भी ये गलत किया है उसको तुरंत से तुरंत सजा मिले, ताकि आगे के समय में लोग ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचें। जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्या मासूम बच्चियां हों क्या महिलाएं हों, इनके साथ घिनौने अपराधों की वारदात सामने आती रहती है और कठोर कानून बनाने की भी मांग की जा रही है। मगर इसके बावजूद हमारे देश में महिलाओं के साथ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।